बांदा में लखनऊ से आए नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी, साथ ही खामियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को फटकार भी लगा दी। इस मौके पर जनपद तहसील ब्लॉक के लगभग सभी अधिकारी मौजूद रहे। बांदा जनपद के बबेरू तहसील के ग्राम निभौर में जन चौपाल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लखनऊ से नोडल अधिकारी मनीष चौहान के द्वारा चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी गई, जिसमें राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि का किसानों को रुपया न मिलना, सहकारी समिति के द्वारा किसानों को बकाया राशि का नोटिस, आवास, शौचालय व सोलर लाइट जैसी शिकायतें आई, जिनका निस्तारण करने के लिए नोडल अधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया। इस मौके पर बांदा सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी हरीश चंद वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीश चंद नाथ, उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी प्रभात कुमार द्विवेदी, खंड शिक्षा अधिकारी कैलाश सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश, कोतवाली प्रभारी राम आश्रम यादव सहित समाज कल्याण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। आप आए, किस प्रकार का कार्यक्रम रहा है यहाँ पर? एक बार मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाता है और आज इस गांव का दौरा था, तो इसमें शासन की योजनाओं को देखा है जी, कैसे क्रियान्वयन किया गया है, कुछ कमियाँ पाई गई तो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे, कुछ लोगों ने किसान सम्मान निधि अभी तक प्राप्त नहीं हुई उसकी शिकायत की, तो मैंने निर्देश दे दिए सर। कुछ लोगों को खाद से संबंधित शिकायतें थी, जो पैसा जमा कर चुके फिर भी उनके खाते नोटिस भेज दी गई है। ये शिकायत की कि जो पहले यहाँ पर सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनके नाम से लोन दिखा दिया है और वो संभवतः उन्होंने नहीं लिया जी, तो मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं एसडीएम, उनको कह दिया है कि वो कल यहाँ कैंप करके उनकी शिकायतें सुनेंगे जी, और फिर यदि जो सचिव है उन्होंने गड़बड़ी की होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर कौन है आ रहा है? यहाँ लखनऊ से नोडल अधिकारी आ रहे हैं। हाँ। हम अपनी बात रखने के लिए समस्याएं, हमको परेशान किया जा रहा है यहाँ। कौन परेशान कर रहा है, किस तरह की समस्या है? खाद वाले पहुँचते हैं गांव में तो धमकी देते हैं और कहते हैं कि पैसे जमा करो, नहीं तुमको FIR दर्ज करवा देंगे। क्या है पूरा मामला बताएं? मामला यह है, कर्ज जो खाद लिए थे, खाद का कर्ज माफ़ कर दिया गया है, हमारे पास प्रमाण पत्र है, फिर भी परेशान किया जा रहा है और 13,981 रुपये भेज दिए हैं। क्या कहाँ से आया है पैसा आपके पास? नोटिस क्या भेजी गई है? नोटिस भेजी गई है। किसने भेजा नोटिस? अब यहाँ खाद विभाग वाले भेजे होंगे। अच्छा, सोसाइटी वाले? सोसाइटी वाले। नाम है आपका? हमारा नाम शिव पूजन। क्या नाम है? शिव पूजन जी। यहाँ पर किस तरह की भीड़ लगी है और क्यों लगी है यहाँ पर? यहाँ लोगों ने अपनी शिकायतें के लिए आए हैं अपने अपने गांव से। हाँ, कौन आ रहा है यहाँ पर? यहाँ आ रहे हैं नोडल अधिकारी आ रहे हैं। अच्छा, तो आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम तो शिकायत करने ही आ रहे हैं। किसकी शिकायत करने हैं, क्या समस्या पूरी? बस सर, हम खाद के बारे में आए हैं। हाँ, 40,400 है हमारा है। हाँ, जो कि हमने कोई खाद नहीं लिया। अच्छा। हाँ, उसमें आ गए। क्या आया है ये 40,000 रुपये, क्या है आया है आपका? ये खाद वाला आया होगा सर, कर्जा। अच्छा, बकायेदार हो क्या? नहीं, बकायेदार हम कुछ नहीं। बकाया नहीं है फिर भी आ गया? कोई खाता नहीं है। अच्छा, फिर भी आ गया पैसा? किसने भेजा है? आप किसने भेजा? सोसाइटी वाले ने भेजा। सोसाइटी वाले ने भेजा है। तो यहाँ किस लिए आए थे आप? यहाँ शिकायत करने आए। शिकायत करने आए हैं। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।